है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव आता है बट ये बहुत ब्यूटीफुल है। ये देखिए, तो इसको ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं क्योंकि हमारे लाइफ में जितने स्ट्रगल्स आते हैं, अप डाउन आते हैं, जो कुछ भी आता है, तो अलग अलग फेजेस ऑफ लाइफ ये रिसेम्बल करता है और बहुत बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है। और पर्ल में आपको, जैसे मैंने कहा कि पार्टी में आप किसी भी तरह का पहन सकते हो, ये थोड़ा महाराष्ट्रियन स्टाइल है, तो अगर आप कोई महाराष्ट्रियन साड़ी पहन रहे हो, जैसे नौवारी पहन रहे हो या थोड़ी महाराष्ट्रियन पैठनी साड़ी पहन रहे हो, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। चाहे जो साड़ीज हो, इन सारी साड़ीज पे जो है, आगे की ज्वेलरीज में जो दिखा रही हूँ, सब साड़ीज पे जा सकता है। जैसे कि अगर आपने कांजीवरम साड़ी पहनी है, या आपने चंदेरी साड़ी पहनी है, सैटन साड़ी पहनी है, ऑर्गेन्जा साड़ी पहनी है, या फिर आपने महाराष्ट्र की पैठनी साड़ी पहनी है, या फिर नौवारी पहनी है, या फिर आपने बांधनी साड़ी पहनी है, या बंधेज साड़ी जिसे कहते हैं, या फिर आपने कश्मीर की साड़ी पहनी है, तिल्ली साड़ी जिसे कहते हैं, और इतनी सारी जो है बंगाली साड़ी जो पहनी है अगर आपने, तो इन सब साड़ीज पे जो भी मैं आपको ज्वेलरी दिखा रही हूँ, वो सब साड़ी आपको सूट होंगी। इसीलिए आपको ये पार्टी ज्वेलरीज दिखा रही हूँ, ताकि आप हर साड़ी, जो भी आपकी साड़ी पसंदीदा है, नेट साड़ी है, इन सारी चिकनकारी साड़ी है, ऑर्गेन्जा साड़ी है, इन सारी साड़ीज पे ये सब ज्वेलरी सूट हो। चलिए, इस तरीके की ज्वेलरी जो है डेफिनेटली आप पहन सकते हैं नॉर्मल ऑर्गेन्जा साड़ीज पर भी। वो वाला एपिसोड में बाद में लेके आ रहा हूँ कि कौन सी साड़ी पे आप कौन सा पहन सकते हैं, बट अभी की जो मैं इतनी सारी चीजें नहीं बता सकती हूँ, तो एपिसोड वाइज मैं आपको जरूर बताऊंगी और साड़ी के साथ मैं आपको दिखाऊंगी इस तरीके से। नेक्स्ट जो है, जो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ही ज्यादा, ये आप ड्रेसेस पे पहन सकते हो। अगर आप किसी ड्रेस कोई ड्रेस पहन के जा रहे हो किसी पार्टी में, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। इस साड़ी पे मुझे लगता है सारी ज्वेलरीज जा रही है, मैंने इतना नहीं सोचा था कि इस। चलिए, मैं क्रिस्टल ज्वेलरी आपको फटाफट दिखाती हूँ, ताकि हमारी जो है क्रिस्टल शुरू हो जाए। पता नहीं, मुझे शायद एडिट करना पड़े, बहुत ज्यादा लंबा एपिसोड हो रहा है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है क्रिस्टल ईयरिंग, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ओके, नेक्स्ट जो क्रिस्टल ईयरिंग मेरे पास है, ये आपके पास होना चाहिए, एक मल्टी ईयरिंग क्रिस्टल का आपके पास होना ही चाहिए, और ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। ये देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट है स्टोन, भी आप यूज कर सकते हो अगर आप बोल्ड ज्वेलरीज पहनना चाहते हो। चलिए, हम फिर से क्रिस्टल पे आते हैं। मुझे ये वाला जो ज्वेलरी है वो इतना ज़्यादा पसंद आया था, मैंने इसके सारे कलर्स मंगा लिए थे, और ये किसी वेबसाइट से मैंने मंगाया था। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए, तो इसके मैंने सारे के सारे कलर्स मंगा लिए थे। ये देखिए, वाइट में आपको दिखा देती हूँ, वाइट में तो बहुत, मतलब सी द लुक, सी द वर्क, कितना ज़्यादा। और उस हिसाब से मुझे इतना याद नहीं कि कितने की मैंने ये ली थी, लेकिन मुझे इतना पता है कि रेट के हिसाब से जो है ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल थे, और इसीलिए मैंने इतने सारे मंगा लिए थे। और आपको तो पता है, लव ग्रीन कलर, ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है, कितना ब्यूटिफुल है। और लास्ट जो हम सबका फेवरेट, लेडीज़ फेवरेट, मरूनिश रेडिश, ब्लडिश रेड, ये देखिए मरून कलर भी है इसमें, प्लस रेड का फ्लावरिंग भी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आई लव दिस। ठीक है ना, तो नेक्स्ट जो है, इस तरीके की भी आप पार्टी में पहन सकते हो अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंट लुक देना है। तो नेक्स्ट जो ज्वेलरी मैं आपको दिखा रही हूँ पार्टी लुक के लिए, ये थोड़ा डैंगलस टाइप की है, जो आपको थोड़ा सा मेरे टाइप की ज्वेलरी मुझे अच्छी लगती है, सर इस तरीके से आप पहन सकते हो, थोड़ी आवाज़ वाली। अगर आपको थोड़ा मोतियों में एक्सप्लोर करना है, तो इस तरीके के मोतियों वाले भी आप पहन सकते हो, जो कि बहुत अच्छा लुक देता है। ये देखिए, किसी किसी लड़कियों को अच्छा नहीं लगता, मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को देखा है, उन्हें लंबे लंबे नहीं पसंद है, बहुत फैट फैट ज्वेलरी नहीं पसंद है, उन्होंने सिंपल ज्वेलरी, मैं भी पहले ऐसी थी, सिर्फ गोल्ड की एक ईयरिंग डाल के रखती थी, लेकिन बाद में वैन धीरे धीरे आप घर पर बैठे हो तो आप एक्सप्लोर करते हो, वाओ ये भी अच्छा लग रहा है, व्हाई नॉट, यू आर अ गर्ल, एक्सप्लोर एवरीथिंग। ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये देखिए बहुत ही ज्यादा। चलिए, मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो इसमें से अगर आपको कोई पसंद भी, आप मुझे स्क्रीनशॉट करके भेज दो, अगर मुझे उसका पता होगा कहाँ से लिया है मैंने, तो मैं आपको बता दूंगी, और अभी अवेलेबल है या नहीं है पता नहीं, वो तो आपको देखना पड़ेगा। तो ये देखिए, बहुत ही पार्टी 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 काइंड ऑफ ईयरिंग है, बहुत
ज्यादा अच्छा दिखता है ये साड़ीज पे भी, कुर्तीज पे भी। ये देखिए थोड़ा और आप बोल्डर लुक जाओगे तो मल्टी कलर आप ले सकते हो, नहीं तो आपकी जैसे साड़ी का है वैसे आप ले सकते हो। ठीक है, ये देखिए इस तरीके के भी आपको काफी मिल जाएंगे, और बट यही है कि आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, और लेकिन आपको जरूर मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि हम इसे ढूंढे ना मिले। ये देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत लगता है। और इसी टाइप में अगर आप गोल, मतलब आपको ये इस तरीके का पसंद नहीं है स्टड वाइज, तो आप इस तरीके से गोल्ड में भी, गोल और गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर्कल एंड गोल्ड बोथ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है जो मुझे बहुत पसंद है, अभी जो लास्ट तीन चार बचे हुए हैं, मतलब इस वेराइटीज के, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ उनके लुक आते हैं। ये देखिए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा है। इसमें ये आपको रियल सिल्वर में भी मिल जाएगा, मैंने अभी कल परसों किसी वेबसाइट पे देखा तो ये रियल सिल्वर में भी आपको मिल जाएगा। ये देखिए वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपने ब्लैक साड़ी पहन रखी है, कहर लो आप कहर। ये देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत। अगर मैं पार्टी में क्या करते हैं, हम डांस करते हैं, हमारा मेकअप भी इधर उधर हो जाता है, तो भी अगर आपने ऐसी ज्वेलरी पहन रखी है तो मेकअप को कौन देखता है, सब आपकी ज्वेलरी को देखेंगे। ये देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत है। होता है मेरी मेरा खुद का मेकअप कभी स्टेबल नहीं रहता, बिकॉज आई हैव लिटिल बिट ऑफ यू नो ऑयली नॉर्मल स्किन। तो ऑयली स्किन में मेरा सारा काजल बाहर आ जाता है, कितनी भी मैं ट्राई करूँ बट वो आता ही है। तो लोगों को लगता है मैंने बहुत सारा ऑयल लगा रखा है, ऐसा नहीं है। मेरा स्किन ही वैसी है, थोड़ी देर के बाद सारा धुल जाता है, इसलिए मैं ज्यादा मेकअप नहीं कर सकती हूँ क्योंकि पूरा का पूरा ऑयल ऑयल इफेक्ट आ जाता है। ये देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल लुक्स आते हैं इसको। आप छोटे छोटे भी यू नो डैंगलर्स पहन सकते हो। ये देखिए बहुत ज्यादा खूबसूरत, बस खूबसूरत खूबसूरत ही आ रहा है क्योंकि सारे अच्छे हैं यार, क्या बताऊं मैं। चलिए ये देखिए इतना ज्यादा बोल्ड, इतना ज्यादा इसका आप लुक देखिए, कलर कॉम्बिनेशन देखिए, और कितना हसीन लगता है। ये देखिए है ना मजेदार। थोड़ा सा अगर आप थोड़ा इंडियन टच देना चाहते हो तो आप इस तरीके का भी चैंगलर्स यूज कर सकते हैं, जो कि आजकल इससे जो थोड़ा लंबा आता है उसको कहते हैं शोल्डर डस्टर। वो भी मैं बड़ी जल्दी आपको दिखाने वाली हूँ। मेरे पास सिल्वर के शोल्डर डस्टर्स हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मैं आपको जरूर दिखाऊंगी आने वाले एपिसोड में। ओके, तो अब हम चलते हैं अपनी स्क्वेरिश काइंड ऑफ ज्वेलरी की तरफ। उससे पहले ये देखिए ये मुझे मिल गया, दो कलर्स में ढूंढ रही थी, सॉरी। ये देखिए तो दो कलर्स आप इन्वेस्ट कीजिए, हर चीज पे आप पहन सकते हैं। और अगर आप बीच पार्टी कर रहे हो तो थोड़ा मेरे पास बीच पार्टी के लिए इस एपिसोड में मैंने इंक्लूड किया है, उसके लिए मैं अलग से एपिसोड मैंने एक और बनाया हुआ है, आप उस पर देख सकते हो कि बीच पार्टी पे आप किस तरीके से फुल यू नो सारी ज्वेलरीज बीच पार्टी की मैंने दिखाई हुई है, तो आप वो पहन सकते हो, देख सकते हो। इस तरीके से बीच पार्टी पे आप पहन सकते हो शंख के, मोतियों के। ये जो यहाँ लटक रहा है ये इसके साथ ही मिला हुआ है, ये नेकलेस। तो इस नेकलेस को पहन के ये आप कान में पहनिए और आप बहुत ज़्यादा अच्छे दिखोगे। नेक्स्ट जो है, अगर आप इसी टाइप की पार्टी में जा रहे हो तो थोड़ा कलरफुल है, आपने कलरफुल चीज़ें पहन रखी है, तो आप इस तरीके की ज्वेलरी लो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। थोड़े से गॉडी टाइप, येलोइश टाइप, यू नो इस तरीके का। और ये देखिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है अगर आप ये देखिए। हाँ, अप्रैल का टाइम चल रहा है तो मुझे आपको फूल फूल नहीं बनाना है, ब्यूटीफुल बनाना है। ये देखिए वेरी नाइस। तो कुछ प्लास्टिक की ज्वेलरीज भी अच्छी होती है, पर जो मैंने पहले ली है और रखी हुई थी वो थी वो, और मुझे तो मेरा जो फेवरेट है ये है। और मैं इस पे इसको मैं कहीं पर भी पहन सकती हूँ, बीच पे पहन सकती हूँ, नॉर्मल यू नो ड्रेस पे पहन सकती हूँ, साड़ी पे पहन सकती हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से मैं बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें लेती हूँ जो सब चीज़ों पे चल सके। तो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो जो है वो थोड़ा और बोल्डर लुक है, कि आप बहुत ज़्यादा बोल्ड लुक अपने इस पर यूज़ करना चाहते हो। तो जो मैंने आपको दिखाया था सबसे ज़्यादा बोल्ड लुक जो मेरा इयररिंग में है वो इस तरीके का है, मैंने आपको दिखा चुकी हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अगर इसी टाइप के अगर मैं थोड़ा सा पर्ल्स में इन्वेस्ट करती हूँ तो मैं पर्ल में भी जो है बोल्डर लुक इस तरीके का यूज़ करूँगी पार्टी में, जो कि बहुत अच्छा लगता है। बीच पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं या आपकी फंकी कॉकटेल पार्टीज में भी इस तरीके का आप यूज़ कर सकते हो।
नेक्स्ट जो है, अगर पर्ल में ही किसी किसी को पर्ल्स बहुत अच्छे लगते हैं, यू नो, तो हर चीज़ पर्ल पर्ल में ही होती है। मेरी एक फ्रेंड थी, उसको टाइगर प्रिंट्स बहुत अच्छे लगते थे, उसको हर चीज़ टाइगर प्रिंट का था, इवन पिलो कवर टाइगर प्रिंट्स के थे, उसके पर्दे टाइगर प्रिंट्स के थे, सारे के सारे टाइगर प्रिंट ही था, उसकी प्लेट भी टाइगर प्रिंट की प्लेट थी। तो आई वॉज लाइक, अरे बापरे, इतना भी कोई मतलब इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। तो उस तरीके से किसी किसी को पर्ल से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, पर्ल से वो लोग हर चीज़, उनकी पर्ल ही होती है। तो यू नो, हर चीज़ है, पर्स ही पर्ल होगा, कान की पर्ल्स होंगे, हर चीज़ तो ये है। लेकिन मैं ऐसा नहीं, मुझे हर चीज़ चाहिए। ओके, इस तरीके का आप यूज़ कर सकते हो। सेकंड है, आप इस तरीके के, अगर आपको बोल्ड ईयरिंग्स पसंद है, तो इस तरीके से बड़े बड़े बोल्ड ईयरिंग्स भी आप पहन सकते हो, थोड़ा घुंघरू के साथ, थोड़े यू नो कलर इफेक्ट्स के साथ भी इस तरीके से आप पहन सकते हो, और थोड़ा सा उसमें झुमके ऐड करके आप पहन सकते हो। तो अगर आपको बोल्ड चाहिए, तो आप इस तरीके के तिब्बतन या स्नेकी काइंड ऑफ यू नो प्रिंट्स यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो है, अगर आप बोल्ड लुक थोड़ा चाहते हो, तो इस तरीके की भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये रहा, इस साड़ी पे तो अच्छा लगेगा ये। ओके सर, ये रहा, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। नेक्स्ट जो है, मैं आपको अभी सारे बोल्ड लुक सिखा रही हूँ, ताकि आप इस तरीके के बोल्ड लुक्स में भी इन्वेस्ट करिए। ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है, कितना ब्यूटीफुल है, ये देखिए बहुत ज़्यादा अच्छी पीस है। ओके, नेक्स्ट जो है, फुल डायमंड वाले भी है। डायमंड वाले नाराज़ हो जाएंगे, किसी किसी को डायमंड्स का भी बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो वो नाराज़ हो जाएंगे, भाई आपने कुछ डायमंड दिखाया नहीं। तो इसलिए मैं आपको डायमंड आगे पीछे सब दिखा रही हूँ इस तरीके से। डायमंड की बात की गई, तो मेरे पास एक और है सेट है, स्टार वाला, ये पूरा डायमंड लुक देता है। ये देखिए आगे पीछे दोनों इस तरीके, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ओके, नेक्स्ट है, थोड़ा स्क्वायर वालों को भी दिखा देते हैं, सबका ध्यान रखना पड़ता है भाई, किसी किसी को स्क्वायर भी बड़े पसंद होते हैं, तो ये देखिए स्क्वायर वाले लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट है, थोड़े थोड़े लोग आड़े टेढ़े ज्वेलरीज को बहुत पसंद करते हैं, जिसे कहते हैं क्वर्की काइंड ऑफ ईयरिंग्स। तो इस काइंड ऑफ ईयरिंग में भी पार्टी लुक काफी आपको मिल जाएगा, और बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। ये देखिए, नेक्स्ट जो है, ये देखिए, अगर आप थोड़ा डिस्को डांसर टाइप ऑफ पार्टीज चाहते हो, पार्टी के ईयरिंग चाहते हो, तो इस तरीके से क्रिस्टल ईयरिंग्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत, ये देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है भाई। अरे यार, मैं तो देखती रहूं अपने आप को, और यू नो नज़र भी लग सकती है वैसे। ये देखिए, ये बहुत ही नाइस है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव थे, बट ये बहुत अच्छे लगते हैं आपके, यू नो, अगर आपने पीच कलर की साड़ी पहनी है, या यू नो पिस्ता कलर की साड़ी पहनी है, उस पर बड़ा ही खूबसूरत लगता है। मैं बहुत ही जल्द अपना साड़ियों का कलेक्शन आपको दिखाने वाली हूँ। मैंने कल ही सारी साड़ीज निकाली है, ताकि मैं आपको दिखाऊँ, तो मैं थोड़ी थक भी गई हूँ, इतने सारी साड़ियों उसको देखिए, देखिए कितना ज़्यादा मस्त है, है ना, मस्त लड़कियों के लिए, मस्त 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 ईयरिंग्स। अगर आप थोड़ा एथनिक लुक ट्राई करना चाहते हो, तो इस तरीके से एथनिक में भी पार्टी लुक मिलता है आपको ईयरिंग। आपको थोड़ा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, आप वेबसाइट्स पे जाइए, या फिर आप अपने फ्ली मार्केट्स में जाइए। फ्ली मार्केट्स आर द बेस्ट मार्केट टू शॉप मेरे ख्याल से। वहाँ पर आप बार्गेनिंग कर सकते हो, जितना चाहिए उतना आप ले सकते हो, किलो के भाव से भी आप ले सकते हो, इतने सारे मिलते हैं। और अगर उससे भी सस्ता आपको चाहिए, तो आपको चाहिए होलसेल मार्केट में आप जाओ, वहाँ ढूंढो ढूंढो ढूंढो, क्वालिटी आपको देखनी पड़ेगी, क्वालिटी के हिसाब से आपको पेमेंट भी देना पड़ेगा। इस तरीके की ज्वेलरी भी आप ले सकते हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ओके, थोड़ा अगर आप मस्ती और मूड के इसमें, जैसे आपने ग्रीन कलर की, पैरेट ग्रीन कलर की, या मोरनील दिख रहे हो आप, मोर कलर का आपने पहना हुआ है, इस तरीके की ब्यूटीफुल, इस तरीके की आप ईयरिंग में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यार, ये देखो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ग्रीन कलर। मैं ग्रीन साड़ी पहन के इसको ज़रूर ट्राई करूँगी। चलिए, अगर मैं आपको दिखाती हूँ थोड़े से बोल्ड ईयरिंग जो है, अगर आप देखिए पार्टी में, तो आप इस तरीके से क्या कहते हैं, शंख वाले या यू नो शेल वाले, इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा ठीक है, मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप अफगानी ज्वेलरीज जो है, चलो एक और मुझे, मेरा सबसे फेवरेट इनमें, जैसे मैंने आपको मोतियों में भी दिखाया मेरा कौन सा फेवरेट है, तो इनमें जो है क्रिस्टल में मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है ये वाला, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए कलर, देखिए मुझे येलो इतना पसंद नहीं, मैं आपको पहले ही बोला, लेकिन ये यार कुछ और ही है। ये देखिए बहुत ही फंकी काइंड ऑफ यू नो
ज्वेलरी है, आई लव दिस ज्वेलरी। एक और बार देख लीजिए, ये मैंने अभी तक पहनी नहीं है। साड़ियों के साथ मैं सब कुछ पहनने वाली हूँ, जब मेरा सारी एपिसोड में शूट करूंगी बहुत सारी ज्वेलरीज जो मैंने पहनी नहीं है वो मैं पहनूंगी। ओके एनीवेज, अब जो है मैं आपको दिखाने वाली हूँ, अगर लोग कहते हैं कि आप अफगानी ज्वेलरीज जो है साड़ीज के साथ कैसे लगेगा, वो बहुत ही ज़्यादा उस टाइप का होता है, वो लाइक ब्लैक ब्लैक सा होता है। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अफगानी ज्वेलरीज लुक्स ऑसम ऑन साड़ीज, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये देखिए, आप देख ही रहे हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये वाला अफगानी अफगानी जो यू नो फुल मैंने ट्रिपल वेयरिंग की है, एक भी नहीं मैंने तीन तीन पहना हुआ, जस्ट टू सी हाउ इट लुक्स, इट लुक्स ऑसम ब्यूटिफुल यू नो। ओके, अगर मैं अभी आपको बताना चाहूँ तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम अफगानी ज्वेलरीज भी पार्टीज में ट्राई कर सकते हैं। तो मैं कुछ अफगानी आपको ज्वेलरीज दिखाऊंगी जो कि हम यू नो ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि है ये ग्लास कलेक्शन। ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है, ये अफगानी ग्लास कलेक्शन में है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है और बहुत ज़्यादा ही इसका जो लुक है वो अलग ही नज़र आता है। ये नॉर्मल ज्वेलरी से बिल्कुल हटके होती है, इसका काम, इनका बहुत मेहनत लगती है। और अगर हम ओरिजिनल ट्रेडिशनल अफगानी लुक की तरफ जाए तो इस तरीके से इनका जो ज्वेलरी होती है इस तरीके की होती है। मैं आपको एक दिखा रही, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी। उसके साथ अगर आप इस तरीके का एक यू नो हैंड रिंग पहन लेंगे या रिंग पहन लेंगे, इट विल लुक वेरी गुड। तो आप देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखिए, अगर मैंने ज्वेलरी पहनी हुई है अफगानी और कान में मैंने अफगानी पहना हुआ है विद द झुमका, ये दोनों ही इनके जो है इस तरीके के चांद बाली प्लस ये झुमका इनका ट्रेडमार्क है अफगानी ज्वेलरीज का। तो अगर आपको दोनों एक चीज में मिलता है उससे बढ़कर बात क्या हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इनका चांद बाली, मुझे इनके चांद बाली से प्यार है, मतलब इनकी जो लव दिस चांद बाली। और आपने मुझे बहुत सारे इसमें ये चांद बाली यूज करते हुए देखा होगा, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये चांद बाली। ये देखिए, अरे ये मेरी साड़ी का ही इसको लग गया है थ्रेड। ओके ये रहा, कितना ज्यादा खूबसूरत है ये चांद वाली, देखिए कितनी ज्यादा खूबसूरत है, देख रहे हो आप, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल चांद वाली। ये देखिए पहनने के बाद देखिए यार क्या लगती है। ये जो विंटेज अफगानी है ये काफी एक्सपेंसिव होता है, नॉर्मल ज्वेलरी से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। लेकिन अगर आप इसके एक दो पीसेस ही ले लिए ना, लाइफ लॉन्ग आप इसको जनरेशन टू जनरेशन पास कर सकते हैं, ये विंटेज अफगानी बन जाता है रियली। आप देखिए कितनी ज्यादा खूबसूरत ज्वेलरी है। इसमें काफी शेप्स भी आते हैं, जैसे कि अगर आपको चांद वाली का शेप पसंद नहीं है तो इस तरीके से आप स्क्वायर में भी ले सकते हो। ये देखिए इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत हैवी होती है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है। ये देखिए, सी आप मेरी कुर्ती मेरे साड़ी पे देख सकते हो, इस ज्वेलरी के साथ कितना अच्छा मैच हो रहा है, अमेजिंग इट लुक्स, अमेजिंग। मतलब ये देखिए बहुत हैवी भी होता है, बहुत देर तक आप इसको नहीं पहन सकते हो, लेकिन इट्स वर्थ बाइंग वन टू पीस ऑफ अफगानी ज्वेलरी। नेक्स्ट जो है इसी में आपको बोल्ट में दिखा रही हूँ मैं, ये देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये कुछ अफगानी ज्वेलरीज मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत जल्द एपिसोड आने वाला है अफगानी ज्वेलरीज का, आप जरूर देखिएगा। और मैं आपको साड़ी पे पहन पहन के दिखा रही हूँ क्योंकि उस दिन पे इतनी सारी ज्वेलरीज आपको पहन पहन के नहीं दिखा सकते हो। तो आज है मैं ट्राई करती हूँ कि जितना मैं आपको दिखा सकूँ पहन के वो दिखा रही हूँ, कितना ज्यादा खूबसूरत लगता है, लवली। तो फ्रेंड्स, हमारा एपिसोड यही खत्म होता है। मैंने आपको बहुत सारी ज्वेलरीज दिखाई, इयररिंग्स दिखाए पार्टी के लिए, क्योंकि पता नहीं एपिसोड बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, अब मेरी नेक्स्ट एपिसोड भी आ रहा है पार्टी के ऊपर, पार्टी नेकलेसेस के ऊपर, तो आप देखना मत भूलिएगा। और जल्दी जल्दी मुझे लाइक कीजिए और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स को करवाइए, फैमिलीज को करवाइए, ताकि वो भी इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इयररिंग्स, ज्वेलरी, नेकलेसेस, ज्वेलरी में वैसे इयररिंग्स और नेकलेसेस दोनों आते हैं, बट सर ये सारी चीज़ें, साड़ीज, कुर्तीज, शर्ट, जैकेट, सब मैं आपको दिखा चुकी हूँ, तो आप उसको वापस जाके देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। सी यू अगेन वेरी सून, लव यू ऑल, दिस इज जेनिफर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।